वो कपल के रूप में पूछेगा यानी कि युग्म के रूप में पूछेगा जैसे कि कौन सा युग्म गलत है या फिर ऐसे पूछ सकता है कौन सा युग्म सही है ठीक है तो कौन सा युग्म गलत है यानी कि यहां पर तीन युग्म जो है सही है और एक युग्म गलत है यानी कि तिमिर का आलोक अधुनातन का प्राचीनतम अनिवार्य का वैकल्पिक छली का बहिरंग तो आपको पता होना चाहिए कि अनुलोम और विलोम दोनों ही कौन से सही हैं और कौन से गलत तो ये तभी पता होगा जब आपको अनुलोम भी पता हो और उसका जो है विलोम जो होगा वो भी पता हो तो यहाँ पर डी होगा छली का बहिरंग ये जो है गलत है ठीक है तो ये उदाहरण स्वरूप जो है हमने दो प्रश्न देखे हैं इसी तरह जो है कुसुम का विलोम शब्द भी जो है कई बार जो है एग्जाम में आप पूछ लेता है और ऑप्शन के रूप में भी पूछा हुआ है कुसुम का और जो है वर्गीकरण यानी कि जो कपल के रूप में युग्म के रूप में उसमें भी जो है पूछा गया तो ध्यान रखिएगा दो तरीके से एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है आपसे एक इस फॉर्म में और दूसरा युग्म के फॉर्म में अब वीडियो शुरू करने से पूर्व जिन प्रश्नों पर यानी कि शब्दों पर स्टार लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन पर विशेष ध्यान आपको रखना है एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है ये भी आपको ध्यान रखना है विलोम शब्द में स्पेलिंग पर आपको फोकस करना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो उच्छवास ठीक है तो उच्छवास का विलोम शब्द क्या होगा निस्वास अनुकूल अनुकूल का क्या होगा प्रतिकूल युद्ध शांति तलवार का विलोम शब्द ढाल या फिर ढाल पूछ ले तो तलवार ठीक है देवता देवता का दो हो सकता है राक्षस या फिर असुर और सुर का असुर होता है ये तो आपको पता ही होगा लेकिन कई बार ऑप्शन में क्या देता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है निरक्षर का क्या होगा साक्षर वाचाल वाचाल का होगा मौन या फिर मूक जो भी ऑप्शन में दिया हो और ये डबल स्टार मैंने लगा दिया इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष परोक्ष होगा ठीक है प्रत्यक्ष मीन्स सामने परोक्ष मीन्स जो सामने ना हो और विलोम शब्द जो है प्रत्यक्ष का क्या होगा परोक्ष डबल स्टार कई बार अप्रत्यक्ष भी होता है लेकिन ज्यादातर जो है एग्जाम में परोक्ष के रूप में आपको ऑप्शन मिलेगा और परोक्ष दिया हो तो इसका अप्रोक्ष भी हो सकता है ठीक है और प्रत्यक्ष भी हो सकता है निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है स्थावर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन पूछा जाने वाला शब्द विलोम शब्द के अंतर्गत यही है स्थावर तो स्थावर का होगा जंगम इसको नोट डाउन कर लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्थावर का जंगम या जंगम का स्थावर ध्यान रखना मूर्ख मूर्ख का पंडित गुप्त प्रकट आकाश का क्या होगा पाताल पतन का क्या होगा थान आकर्षण विकर्षण ठीक है कई बार ऑप्शन में अपकर्षण दिया होता है जो कि गलत हो जाएगा आकर्षण का होगा विकर्षण भौतिकता आध्यात्मिकता अभिज्ञ अभिज्ञ दो हो सकता है एक तो अज्ञ और एक ठीक है और अज्ञ का विलोम भी हो सकता है विज्ञ तो ध्यान रखिएगा अभिज्ञ का अज्ञ या फिर अनभिज्ञ जो भी ऑप्शन में दिया हो गहरा गहरा जो है पानी के संदर्भ में उथला रजू इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है रजू का होगा वक्र उन्मुख उन्मुख की और प्रेरित होना इसका मतलब होता है तो विमुख होगा इसका ठीक है छोटे की मात्रा दोनों पे आएगी उद्धत अनुद्धत उपकार अपकार इंपॉर्टेंट है अनुरक्ति विरक्ति अतिवृष्टि अनावृष्टि स्तुति निंदा स्वकीय परकीय प्रतिकूल अनुकूल बंधन मुक्त निशुल्क सशुल्क कई बार ऑप्शन में जो है निशुल्क दिया होगा और शब्द के रूप में सशुल्क दे देगा तो आपको ध्यान रखना है अनुलोम और विलोम दोनों को जो है अच्छे से ध्यान रखिए कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है सामिश मोस्ट इंपॉर्टेंट निरामिष ध्यान रखिएगा सामिस का क्या होगा निरामिष या फिर निरामिष शब्द दे करके ऑप्शन में सामिस दिया होगा तो दोनों तरह से तैयार रहिएगा निर्लज का क्या होगा सल्लज अभिमान अभिमान योजन वियोजन अस्तित्व अनिस्तित्व वादी प्रतिवादी तेज निस्तेज सुबोध दुर्बोध इंपॉर्टेंट है सुबोध दुर्बोध सज्जन दुर्जन गतिवान गतिहीन, स्पेलिंग को देख लीजिएगा ये सही स्पेलिंग है ठीक है गतिवान गतिहीन गुरु यानी कि बहुत बड़ा और गुरु का क्या होगा लघु और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा ट्रिपल स्टार है गुरु का लघु या फिर लघु दे दे इन्वर्टेड कॉमास में ऑप्शन में आपको गुरु दिया होगा तो ध्यान रखना आदि का क्या होगा अनादि विधवा का सधवा स्वर का व्यंजन आदि का अंत ठीक है तो आदि का अनादि भी हो सकता है और अंत भी डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है आयात का निर्यात नास्तिक का आस्तिक हर्ष का विषाद या फिर शोक प्राचीन का अर्वाचीन इसको नोट डाउन कर लीजिए कई पार पूछा गया है प्राचीन का विलोम शब्द और कन्फ्यूजन है इसलिए बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा प्राचीन का होगा अरवाचीन अभ्यार्थियों के बीच में सबसे ज्यादा गलत होने वाला शब्द है ये अर्वाचीन स्वर्ग का नरक अनुज अग्रज उत्कर्ष अपकर्ष देखिए यहां पे है आकर्षण का अपकर्ष नहीं होगा उत्कर्ष का होगा अपकर्ष ध्यान रखिएगा उत्कर्ष अपकर्ष या फिर अपकर्ष दे करके उत्कर्ष पूछ लेगा अक्षर का छर या फिर छर दे करके अक्षर पूछ लेगा आपसे आपको ऑप्शंस पर ध्यान रखना है और अपने ज्ञान पर जो आपने पढ़ा है सार्थक का होगा निरर्थक मधुर इसके तीन या चार हो सकते हैं ऑप्शन में क्या है ये मैटर करता है तो अमधुर कर्कस तीक्ष्ण या कटु तो यहाँ पर कटु फिलहाल जो है मैं बता रहा हूँ होगा मधुर का और बाकी तीन जो है वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पर की पेपर में ऑप्शन क्या होता है राजा का होगा रंग जीवित का होगा मृत पराधीन का होगा स्वाधीन अकर्मठ का होगा कर्मठ दीर्घ का होगा लघु मानवता का होगा निरसंस्ता रथी वीरथी प्रसूति का होगा निवृत्ति मुख्य का होगा गौण मुख्य मीन्स प्राइमरी और गौण मीन्स सेकेंडरी तो मुख्य का होगा गौण और ये इंपॉर्टेंट है कपटी का होगा निष्कपट समास का होगा व्यास इंपॉर्टेंट है चार स्टार है समाज का होगा व्यास सुलभ दुर्लभ कुसुम वज्र खंडन किसी बात का खंडन करना तो किसी बात का लाभ रागना तो मंडन कहलाता है तो ध्यान रखिएगा खंडन मंडन कृत्रिम प्राकृतिक और कई बार आपको कृत्रिम का विलोम नैसर्गिक भी मिलेगा जो कि सही है

हार्स का क्या है विकास या फिर वृद्धि ठीक है उपोदय अनुपोदय और ये इंपॉर्टेंट है स्वार्थ परमार्थ वैभव पराभव स्थिर अस्थिर विज्ञ अज्ञ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा विज्ञ अज्ञ और ऑप्शन में देखिएगा क्या ऑप्शन में पूछता है आपसे ग्रस्त मुक्त स्मरण विस्मरण सूक्ष्म स्थूल और ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप सूक्ष्म का स्थूल संधि विग्रह अपवय मित व्य अपवय ज्यादा खर्च करने वाला मित सोच समझ कर खर्च करने वाला लभ्य अलभ्य उत्कृष्ट निकृष्ट कृष पुष्ट और स्थूल, दोनों ही हो सकते हैं ऑप्शन में क्या दिया है मैटर करेगा सदय निर्दय अथ इति अथ को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा और यहां पे सिर्फ य है अ की मात्रा नहीं है ध्यान रखिएगा सदय निर्दय अथ इति ट्रिपल स्टार के साथ ज्येष्ठ कनिष्ठ अवर प्रवर अवर परीक्षा प्रवर परीक्षा ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा अपर सबॉर्डिनेट लोअर सब, सब तो वही है अवर प्रवर ग्राह त्याज्य अग्रह इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा ग्राह त्याज्य अग्रह अनुराग विराग आवर्तक विवर्तक या फिर अनावर्तक ऑप्शन में क्या है ये निर्भर करेगा सृजन संघार सृजन मीन्स किसी चीज का निर्माण करना और संघार मीन्स विनाश करना खत्म करना वंदे निंद अनंत ससीम इंपॉर्टेंट है व्यष्टि समष्टि शोषक किसी चीज का शोषक जो शोषण करते हैं तो शोषण करने वाला शोषक कहलाता है और इसका जो है विलोम क्या होगा पोषक आहूत अनाहूत आहूत निमंत्रण देके बुलाना अनाहूत जिसको जो है निमंत्रण नहीं दिया गया हो ठीक है तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी मैंने बताया था तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा आहूत का होगा अनाहूत आगामी प्रागामी रोपण उन्मूलन द्वंद आरोह अवरोह इंपॉर्टेंट है संकल्प विकल्प असीम ससीम संकीर्ण विस्तीर्ण और ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा विस्तृत सीमित समास विग्रह तमस सात्विक इंपॉर्टेंट है प्राचीनतम, अधुनातन योगी भोगी छली निश्छल बहिरंग अंतरंग ठीक है तो ध्यान रखिएगा बहिरंग का क्या होगा अंतरंग संश्लेषण विश्लेषण ऐश्वर्य अनैश्वर्य स्पेलिंग ऐसे ही होनी चाहिए ऑप्शन में ध्यान रखना यही सही है ऐश्वर्य अनैश्वर्य जागृत सुषुप्त राग द्वेष करुण निष्ठुर सकाम निष्काम श्याम यानी कि सांवला और श्वेत मतलब दूध के कलर का यानी कि दूधिया तो श्याम का क्या होगा श्वेत यानी कि गोरा चेतन जड़ या फिर अचेतन तो जड़ ज्यादातर ऑप्शन में होता है ध्यान रखिएगा उपमान उपमय अनुनासिक निर्नुनासिक शुष्क आद्र निर्मल मलिन अनिवार्य ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक कीर्ति अपकीर्ति महान तुच्छ शाश्वत नश्वर ये इंपॉर्टेंट है शाश्वत का होगा नश्वर या फिर नश्वर देकर के आपसे पूछ लेगा शाश्वत संक्षिप्त विस्तृत रुक्ष मृषण ये एक इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा रुक्ष मृषण जारज सापेक्ष निरपेक्ष दक्षिण का होगा वाम संकीर्णता का होगा उदारता धनवान का विलोम है अकिंचन गृहस्थ का होगा सन्यासी स्पेलिंग देखिए यही स्पेलिंग सही स्पेलिंग है और इसी तरह से होना चाहिए एग्जाम में आपको स्पेलिंग में कन्फ्यूज़ किया जा सकता है स्थूल काय कृष काय औदार्य अनुदार्य निजी सार्वजनिक अखड़ भद्र सामूहिक एकांगी संसार निसार ठीक है निरत विरत अनायास सायास ओजस्वी निर्जस्वी सात्विक तामसिक निर्बाध अबाध चंचल सौम्य अधिमूल्यन अवमूल्यन श्रव्य वाच्य उपसर्ग प्रत्यय पूर्ववर्ती परवर्ती आचार अनाचार महान क्षुद्र ये इंपॉर्टेंट है आवरण अनावरण उर्वर उसर, आलस्य उद्यम क्षणिक शाश्वत गरिमा लघिमा एक सौ परिश्रम का होगा विश्राम सौम्य उग्र छीण का होगा पुष्ट अमर का होगा मर्त्य आविभाव का होगा तीरोभाव, ठीक है उन्मिलन निमिलन ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है आविभाव तीरोभाव, उन्मिलन निमिलन उदात अनुदात कृष्ण ये मिस्टेक हो गया है इसको छोड़ सकते हैं आगमन प्रस्थान नूतन पुरातन गौरव लाघव श्री गणेश का होगा इतिश्री अपेक्षा का उपेक्षा परलोक कृतज्ञ कृतघन उदय अस्त सम विषम धवल श्याम कृष्ण तो यहां पर कृष्ण का क्या होगा धवल तो जो अभी ऊपर हमने कृष्ण पढ़ा था उसका होगा धवल तिमिर आलोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार आलोक के रूप में पूछा जा चुका है कई बार तिमिर के रूप में पूछा जा चुका है तो आपको गलती नहीं करनी है कुछ भी पूछे आपको पता होना चाहिए कि आलोक आलोक का का होता होता है तिमीर का आलोक होता है इंपॉर्टेंट है 2013 में समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था विजाति स्व जाति नश्वर का शाश्वत भी होता है लेकिन समीक्षा अधिकारी 2010 के एग्जाम में ऑप्शन में चिरंतन था और वही सही था ठीक है तो मैं बार बार कह रहा हूं ऑप्शन में क्या है मैटर वो करेगा एक सौ इक्यानवे खेचर का होगा भूचर स्थिर का होगा गत्यात्मक अज्ञ का होगा विज्ञ जो कि ये दोबारा है रिपीट है और यौवन का होगा जरा एक सौ पिचानवे सुधा सिक्त विषाक्त सुधा हलाहल सुधा को जो है अमृत कहा जाता है और हल हल को विष तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अधोगामी ऊर्धगामी बहुमत अल्पमत उद्धत अनुद्धत, प्रवृत्ति निवृत्ति